वाराणसी में आज होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में आयोजित पत्रकार वार्ता में एटर ब्लिस फाउंडेशन इंडिया के संस्थापक स्वामी अखंड सम्राट आनंद जी महाराज व संस्था के निदेशक राहुल मुखर्जी ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को बताया कि नीदरलैंड्स की संस्था शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन, जिसके चेयरमैन डॉक्टर एटीएन भगवान प्रेमदानी के साथ मिलकर विश्व भर में सनातन धर्म के ज्ञान का प्रचार प्रसार तथा विश्व में श्री रामलला की मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा व इसका भव्य उद्घाटन करने का संकल्प लिया गया है। ये जो भगवान राम की प्रतिमा का स्थापना कहाँ पे होने जा रहा है, कब होने जा रहा है? देखिए, 21 जुलाई को होने जा रहा है और नीदरलैंड्स का ओल्स में होने जा रहा है। नीदरलैंड ये एम्स्टर्डम से करीब 100 किलोमीटर है, वहाँ होने जा रहा है। ये है कि इतना बड़ा जो कार्य होने जा रहा है, पूरे यूरोप में स्वामी जी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को राम आवाहन योग क्रिया इनिशिएशन दीक्षा दें और दुनिया भर में राम मंदिर बनवाएं और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो। और जो हमारा पहला प्रोजेक्ट होने जा रहा है वो नीदरलैंड्स में होने जा रहा है। सर, आगे आगे कहाँ कहाँ पे बनने की संभावना है? रामलला की मूर्ति देखिए, जिस प्रकार कर्नाटक का पत्थर यूज हुआ था ओरिजिनल, देखिए जो पहले मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले जो राम लला का मूर्ति बन रहा है वो कृष्णा शिला पत्थर से बन रहा है, जो कर्नाटक का पत्थर है, और उसका निर्माण हो रहा है काशी में। ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात है कि काशी में मूर्ति का निर्माण हो रहा है। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है काशी, और ये पूरे यूरोप में अभी अलग अलग जगह पे इसका प्राण प्रतिष्ठा होगा। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट होने जा रहा है वो होने जा रहा है नीदरलैंड्स के मंदिर, और नीदरलैंड्स में ये प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करेंगे 21 जुलाई 2024 में। सर, हमारा किया जाएगा ये स्वामी जी करेंगे और हमारे वहाँ के जो चेयरमैन हैं शिरडी साई बाबा फाउंडेशन नीदरलैंड्स के, हमारे डॉक्टर एटीएन भगवान प्रेमदानी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।